अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये यहाँ से हमने कस्टम क्लियर किया और पीछे जो लॉन्च एक गाड़ी है उसमें से कस्टम की एक लॉन्च थी और बेटा भी अब हम आगे का सफ़र कर रहे हैं और फिशिंग की तैयारी बेसिकली हमने कर ली है। जो सरकारी खाना पूरी है वो हो गया, तो चलो पानी को तो पाँव तो लगा ले, हाथ नहीं लगा सकते यार, क्या करें, लगा दिया भाई। तो ये सारे भाई हैं और क्या करें, हम सब बैठे हुए हैं, दो बंदे हैं और दो ना खुदा जो मतलब इस्तानबुल्ला जो बुला है मिला के तो 11 बंदे हैं टोटल। तो हम अल्लाह की मेहरबानी जब शिकार में निकल गए हैं तो चार्ज थोड़ा सा कम है, लेकिन कोशिश करूँगा कि शिकार की वीडियो भी जो है ना साथ में शेयर करूँ, ये वीडियो अच्छा यूट्यूब पर जल्दी आ जाएगी। सब को चारे की फिक्र पड़ी हुई है और क्या करें यार, ये भूख नहीं हो रहा यार, बस ये हमारी गपशप लगी हुई है सारे यार दोस्त, आप लोग इधर देख सकते हो, ये अपना भाई है, साहब लोग हैं, ये करेंगे भाई साहब कह रहे हैं कम से कम आधा घंटा पौना घंटा लगेगा, कह रहे अभी आराम कर रहे हैं तो कर लो, हमने कहा नहीं भाई करेंगे। मैं बिल्कुल बैठा हूँ, मेरे छाती का मैं जो इसका बैक साइड ये नहीं दिखा रहा, पाकिस्तान है ये बीच है, ये है मनोड़ा, ये मनोड़ा बीच है, अभी उस तरफ जो बेसिकली जो मेन बीच है वो जो सिंध गवर्नमेंट है उन लोगों ने इसको रिनोवेट किया है, काफ़ी खूबसूरत बनाया है। यह अभी उधर मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अखबार पर रिपोर्ट पढ़ी थी तो उसके हिसाब से काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था। सामने अपना ये जो दीवार बनी हुई है यहाँ पे जो किनारे के साथ, यहाँ पे अक्सर मैं शिकार करने के लिए आता था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान न्यू की एकेडमी है और अफसरों की घर है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे तो मैंने सोचा यार कि यहाँ पे शिकार लगता भी नहीं है, पैसा भी खर्च करो, तो इससे बेहतर है कि वन टाइम निकलो और सीधा डीप सी समंदर, तो इन्जॉयमेंट भी हो जाती है और उसमें ये है कि थोड़ा शिकार में मज़ा भी आ जाता है। ये अपना चाइना फूड है, चाइना काम चल रहा होता है गवर्नमेंट का, सारे कंप्यूटर वगैरह भी यही लोडों के और पीछे जो आपको एरिया नज़र आ रहे हैं बिल्डिंग वगैरह, या फिर गोदरिया कलेक्टर की है, हमारे कलेक्टर के बीच है ये, उसका एरिया कलेक्टर इस तरफ लगता है। बैक में आपका किमाड़ी है और सीधा अपना ओपन सी, आप लोगों को फिशिंग के बारे में बताओ, मैं वीडियो शेयर करूँ फिशिंग के बारे में, आप कब से फिशिंग कर रहे हो और कब से आ रहे हो, कब से नहीं आ रहे हो, और बस एक शौक है और शौक का कोई कीमत ही नहीं होता भाई, और जब मौका मिलता है इंशाल्लाह समंदर में होता है और समंदर हमको बहुत अच्छा लगता है, समंदर से प्यार है हमको भाई। भाई अपना सॉरी अपना दोस्त है बादशाह, बादशाह से भी मैंने बात की, बादशाह साहब कह रहे हैं कि भाई मैं 1989 से शिकार पे आ रहा हूँ, वो भी हमारे तरह बिल्कुल जरूरी है, तकरीबन ये हर संडे को यही लाश में होते हैं और डीप सी में ही होते हैं और शिकार कर रहे होते हैं, जिसकी भी जैसे कहते हैं ना कि जो शौक होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, शौक के बंदे फिर कुछ भी कर लेता है, तो भाई हमारा भी यही हाल है और तकरीबन यहाँ पे जितने बंदे बैठे हैं सब शौक के बैठे हैं, जिसको शिकार का शौक है चाहे लगे अरे लगे पर निकलना लाजमी है।